सबसे पहले तो रशीद साहब आपको और सैलानी ट्रस्ट को मुबारक देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह का काम है, और ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस तरफ लग जाएं तो वो ख़ुद ही जानते हैं, क्योंकि अल्लाह आपके दिल में सुकून पैदा करता है जब अल्लाह का काम करते हैं। और मैं जब से शौकत खाना बनाना शुरू किया तो मेरा वास्ता पड़ा उन लोगों से जो खुशकिस्मत लोग थे, जो कुरान में अल्लाह कहता ना कि उनके रास्ते पर लगा। हम नमाज सूरत फातिहा में नमाज जो पढ़ते हैं, हम यही अल्लाह से मांगते हैं ना एक चीज़ कि उनके रास्ते पर लगा जिनको तुझे नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो दूसरे रास्ते पर अपनी तबाही के रास्ते पर चले गए। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में इंसानियत की खिदमत करते हैं वो उस रास्ते पे होते हैं जो अल्लाह अपनी नेमतें बख्शता है और उनको खुशियाँ देता है, सुकून देता है। तो मैं आपको मुबारक देता हूँ, उसका ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, ये जो आप लंगर चलवा रहे हैं। और अब हमने फैसला किया हमारे एहसास प्रोग्राम, जो कि सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख का गुरबत कम करने का प्रोग्राम है, आज तक कभी इतना पैसा नहीं किसी गवर्नमेंट ने लगाया, उसमें से हम हिस्सा आपको इंशाल्लाह देंगे, जो 112 लंगर ये पहले फेज़ में। और हमारा कोशिश यह है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोज़गार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपेंड करते जाएंगे लंगर, जब तक कि हमारे मुल्क में कारोबार, जो आपने बात की, शुरू नहीं होता, हम इंडस्ट्री नहीं, रोज़गार नहीं मिलता। ये जो थोड़ा मुश्किल वक्त है इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोग भूखे ना रहें। मैं जो आपने मदीना की रियासत की बात की, देखें मदीना की रियासत के ऊपर हमने पूरा अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी प्रोग्राम्स रखेंगे ताकि लोगों को बताएं तो सही मदीना की रियासत क्या थी। लोगों को, आवाम लोगों को नहीं समझ आती, मदीना की रियासत के अंदर एक फ़ैसला किया गया रियासत में कि वो शुरू में तो बहुत बुरे हालात थे ना वहाँ, कि हमने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेनी है, जिसको कहते हैं फलाई रियासत। अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों के लिए, ये एक रास्ते पे इंसान लगता है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दिखाया। मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी, जो कुरान में कहा गया है कि कैसे हमने एक रियासत चलानी है, वो मदीना की रियासत थी। उसके अंदर हमें क्या चीज़ सामने आई कि अगर रियासत के हालात भी बुरे हैं, पैसे भी नहीं हैं, लेकिन अल्लाह चाहता है हम उस रास्ते पर लगें, वो रास्ता जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता था, तो उसमें एहसास होता है कमज़ोर तबके का। रियासत एहसास करती है, कोशिश करती है, कामयाबी अल्लाह देता है। ये हमें गलत फहमी है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये अगर मैं कहूँ ना मैंने कामयाबी ली, ये तकब्बुर है जो अल्लाह को सबसे बुरा लगता है। तो हमने उस रास्ते पर लगना है और फिर अल्लाह बरकतें डालता है रियासत में। हमारी जो आज बुरे हालात हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पिछले कई सालों से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, सारा टैक्स गरीब के ऊपर महंगाई करके इकट्ठा करते हैं, पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, इससे फासले बढ़ते जा रहे हैं और इस निज़ाम के अंदर अल्लाह की बरकत नहीं आती। हम इसको उल्टा कर रहे हैं, हम अगर कारोबार तबके की भी मदद करेंगे इसलिए कि पैसा वो जनरेट करें, उससे हमारा टैक्स इकट्ठा हो, वो हम कमज़ोर तबके पे खर्च करें, जो चाइना ने किया, उन्होंने जो वेल्थ क्रिएट की, जो पैसा बना, वो फिर उन्होंने गुरबत कम करने के लिए किया। तो हमारा बिल्कुल वही है कि हम कारोबार तबके की पूरी मदद कर रहे हैं, कभी इंडस्ट्री की इस तरह मदद नहीं किसी हुकूमत ने की जो हम कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कारोबार तबका, हमारे बिज़नेस कम्युनिटी पैसा बनाए, नफ़ा बनाए, और फिर उसमें से हम टैक्स इकट्ठा करें और ख़र्च करें अपने नीचे तबके का, ये हमारा मोटा असूल है। लेकिन रियासत की इंशाल्लाह जो ये जदोजहद शुरू है वो ये है कि हम निचले तबके को उठाने के लिए, जिस तरह एहसास प्रोग्राम है इसमें बड़े और भी चीज़ें हैं, रोज़गार की हम कर्ज़े दे रहे हैं बच्चों को, और हम ख्वातीन के लिए, गाँव के लिए हम पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है, और ये आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने नज़र आएगा। और ये एक मुल्क जो हम नया पाकिस्तान कहते हैं, नया पाकिस्तान होगा ये एक फलाई रियासत जो अभी तक नहीं हुई। मैं सिर्फ लोगों को ये कहता हूँ कि लोग
कई दफ़ा सब्र नहीं होता लोगों में। 13 महीने हुए हैं, लोग कहते हैं जी किधर है नया पाकिस्तान। उनको फिर से, क्योंकि हम मदीना की रियासत की मिसाल देते हैं, हमारे लिए तो वो आइडियल है। मदीना की रियासत पहली दिन नहीं बन गई थी, जद्दोजहद शुरू की थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक रास्ता दिखाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता लोग चेंज हुए थे, ज़ेहन चेंज बदले थे। कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश। लोगों ने, लोग भी तब्दील हुए, ज़ेहन भी तब्दील हुए और आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आए। शराब भी जब अल्लाह ने ख़त्म की तो 3 फेजेस में की, पहली दफ़ा नहीं आए, ग़ुलामी ख़त्म की उन्होंने। एकदम नहीं कहा कि ग़ुलाम ख़त्म, उन्होंने कहा पहले फैमिली मेम्बर की तरह रखो और फिर अगर तो आप ग़ुलाम को छोड़ते हैं तो बड़ा सवाब है। यानी फेजेस में की है। ये भी मुल्क बदलेगा, ये जो 70 साल से हम गलत तरफ लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे चेंज कैसे आता है। और चेंज यहाँ आएगा, ये हम बरकत आएगी हमारी रियासत में जब हम अपने कमज़ोर तबके की मदद करेंगे, जिस तरह ये आपका ट्रस्ट है, जिस तरह पनागाहें, हस्पतालों के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, जिस तरह के हमने ये पुलिस का निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं ताकि थानों में ना जुल्म हो, हर जगह जिधर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। और ये जो लंगर हम खोल रहे हैं, मुझे इसकी ख़ास खुशी इसलिए है कि जो सबसे ज़्यादा एक रियासत में बेबरकती आती है जबकि लोग भूखे सोएं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है ये हम शुरू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये पहले तो 112 हैं और ये खूब ये बढ़ाते रहेंगे जब तक कि यहाँ रोज़गार लोगों को नहीं मिलता, यहाँ कारोबार नहीं चलना शुरू होता। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सानिया आपको फिर से मुबारक देता हूँ, जो आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाया है एहसास का, जिसमें बड़ी और चीज़ें हैं। और ये आहिस्ता आप हर महीने देखेंगे हम नई नई चीज़ें लेके आएंगे जिससे हम अपने निचले तबके की मदद करें।